व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू आवर चैनल डेडली ब्रो। सो कैसे आप लोग? आई होप आप लोग सब लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। सो गाइस, आज आ चुका हूँ मैं एक नया ट्यूटोरियल लेके। आज मैं कुछ इस टाइप का ट्रांजेक्शन बताने वाला हूँ। एंड गाइस, ऐसे ट्रांजेक्शन के लिए आपके पास बस होनी चाहिए दो ऐप्स, काइंड मास्टर एंड एलाइट मोशन। एलाइट मोशन सबसे मेन है। मैंने इन दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए। दोनों के दोनों लेटेस्ट वर्जन्स हैं, तो आप आराम से इन लोग को डाउनलोड करके आप हेल्पफुल हो सकते हो। एंड मैंने जितने भी चीज़ें यूज़ करी आपको सबको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। जो वो लाल बटन है उसको ग्रे कर दीजिए। एंड हम 900 सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब है, जल्दी से करा दीजिए। जैसे हमारी 900 हो गए, हम कुछ ना कुछ स्पेशल लेके आएंगे आप लोग के लिए। कोई इफेक्ट या कुछ ना कुछ जो डिमांड में होगा हम ज़रूर लाएंगे। अगर जल्दी से 900 हमारे सब्सक्राइबर करा दिए ना। एंड अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ भी जल्दी से फॉलो कर लीजिए। हमारे 700 फॉलोअर्स होने ही वाले हैं, एक रहता है। तो अगर आप वो भी करा दें तो हमारे आज ही 700 पूरे हो जाएंगे। तो गाइस, अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एंड डू सब्सक्राइब आर चैनल एंड वीडियो फुल देखना, पूरी वीडियो देखना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर कहीं पे आप अटक रहे होगे तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे DM करके पूछ सकते हैं कि ये कैसे करना है वगैरह। एंड गाइस, ये हमारा पार्ट वन है। अभी मैं एक और पार्ट लाऊंगा इसी ट्रांजेक्शन का। वो 3D ट्रांजेक्शन है, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरे को करने में। एलाइट मोशन भी है मैं, पर जल्दी से लाने की फुल कोशिश करूँगा। सो गाइस, सॉरी फॉर बैकग्राउंड वॉइस। तो गाइस, चलिए मिलते हैं, अब शुरू करते वीडियो। तो गाइस, आप लोग को सबसे पहले अपना काइंड मास्टर खोल लेना है। काइंड मास्टर में आते आपको एक अपना प्रोजेक्ट ले लेना है 16:9 का ही। अब आपको जो दो क्लिप्स पे ट्रांजेक्शन अपना वाला ऐड करना है 3D वाला, सबसे पहले अभी जो मैंने आपको प्रीव्यू दिखाया सबसे पहले वो वाला कर रहा हूँ, फिर मैं दूसरा वाला इफेक्ट दिखाऊंगा। तो जैसे कि ये मेरे दो क्लिप्स है, ये क्लिप है एंड ये क्लिप मेरे को मिली है दिव्यान गेमिंग भाई से, जिनका मैंने डिस्क्रिप्शन पर टैग कर दिया मैंने उनको, आप उनका देख सकते हो। अब जैसे कि मेरे को इसका शॉट के बाद ट्रांजेक्शन लगानी है। अब जैसे कि तो भाई, जैसे कि अब मैं ये शॉट के बाद, जैसे इसने शॉट मारा, मेरे को अब यहाँ से ट्रांजेक्शन करना है। तो अब मैं इसको यहाँ पे कट कर दूँगा एंड इसका स्क्रीन कैप्चर एंड सेव कर लूँगा इसको। जैसे कि मैंने कैप्चर एंड सेव कर लिया, अब मैं इसको कट कर दूंगा यहीं पे। फिर अब जो दूसरा एक और होगा, मैं ये वाला ले आऊँगा, इसका एकदम फ्रंट पिक, जहाँ पे मेरे को ट्रांजेक्शन देना है एकदम फ्रंट पिक। तो मैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन दे रहा हूँ, कट दे रहा हूँ, सॉरी, यहाँ पे इतना। अब मैं इसका कैप्चर एंड सेव कर लूँगा। तो अब आप देख सकते हैं मेरे पास दो फोटोज़ आ चुकी है। अभी आप लोग का काइंड मास्टर में यही काम था, इन दोनों की स्क्रीनशॉट लेना। अब हम चलते हैं अपने एलाइट मोशन की तरफ। एलाइट मोशन खोल लेना अब अपना, उसका लेटेस्ट वर्जन मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है, उसको डाउनलोड करके खोल सकते हो, वो आप डाउनलोड कर लेना। अब गाइस, आपको एलाइट मोशन में आते ही आपको अपना एक प्रोजेक्ट लेना है। जो प्रोजेक्ट होगा वो 16:9, अपने हिसाब से रेजोल्यूशन और फ्रेम रेट सेलेक्ट कर सकते हैं, बैकग्राउंड ब्लैक। आपको क्रिएट कर लेना है प्रोजेक्ट। अब आपको क्या करना है, आपको कोई भी रैंडमली अपना एक बैकग्राउंड ले लेना है। जैसे कि मैंने एक ये ले रखा है, इसका भी मैं आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ये ऐसा सा कुछ है फ्लिकर टाइप, तो आप इसको 2 सेकंड तक कट करके पीछे ले आना। अब आपको क्या करना है, ये आपको 2 सेकंड से ऊपर का नहीं रखना ट्रांजेक्शन। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये वाला रखना फ्रंट पेज एंड इसका, इसको पहले इतने ही साइज़ का रहने देना। इसका थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करना ट्रांसफॉर्म में आके, इसको इतने ही साइज़ का रहने देना। पहले एक की फ्रेम लगाना, तो एक की फ्रेम आप लगाना 1 सेकंड पे, और इसकी की फ्रेम से इतना छोटा, मतलब इतना भी नहीं, 400 के करीब, 400, ठीक है। अब इस पर आपको स्ट्रोक दे देना है वाइट कलर का, या आपके कोई भी फेवरेट कलर, कोई भी, कम से कम 10 नंबर का, 10 का मैंने दे दिया। अब जैसे कि देख सकते हैं, पहले ये ऐसे छोटा होगा,
फिर इसको नीचे जाना है। तो अभी तो ये इतना ही है, आप इसको चाहो तो आप इसको थोड़ा सा पहले करके 35 सेकंड पर ले आओ, एंड फिर इस पर आपको की फ्रेम दे देनी है, सॉरी की फ्रेम के बारे में ग्राफ दे देना है। आप ग्राफ कॉपी कर लेना, ऐसा कुछ ग्राफ होगा, इससे एकदम झट से आ जाएगा एकदम नीचे यहीं पे देख सकते हैं आप जैसे। अब आपको इसका फर्स्ट, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड वॉइस, अब आप इसको फर्स्ट का ऑप्शन पे आ जाना है, स्टार्टिंग में वही की फ्रेम, फिर जब ये जैसे ही पूरा नीचे हो जाएगा जैसे 30 सेकंड पे एकदम नीचे, इसको आपको एकदम ऐसे ये जो बीच में रेड लाइन आएगी उसके हिसाब से एकदम नीचे ले जाना है सेंटर। अब देख जैसे फिर ऐसा कुछ हो जाएगा, ये थोड़ा सा सिस्टम मेरा हिल गया सॉरी। इसका फर्स्ट की फ्रेम को 30 सेकंड पे लाना, तो दूसरी वाले को थोड़ा आगे, जैसे कि कुछ ऐसा हो जाएगा ठीक है। आप इस पे भी की फ्रेम मार देना, ऐसा कुछ आपने अभी को, अब ये एक सेकंड पे जाके आपको क्या करना है, एक दूसरी पिक पहले से ही इसके पीछे होनी चाहिए ऐसी, पर इसके पीछे। तो अभी जो हमने फर्स्ट पे अभी हमने वो दिया है क्या कहते हैं की फ्रेम डाले, उसको आप हाइड कर दो और ये ऐसी होगी। इसको आप रखो ही सेम साइज का पहले ही, उसके हिसाब से एकदम इक्वल साइज, वो कितने की थी 400.5, सेम ये होगी। सेम स्ट्रोक 10 नंबर। अब वो इसके पीछे आपको दिख नहीं रही, लेकिन जैसे पूरा पूरा मोशन आएगा कुछ ऐसा आएगा ऐसा, फिर एक सेकंड पे आते ही आपको एक ट्रांसफॉर्म पे जाना है, थर्ड ऑप्शन की फ्रेम देनी है, एंड एंड में आते आते फुल 1280 वाला सिस्टम भी चलेगा, इतना भी रख सकते हो या बढ़ा लो, मैं 1300 सजेस्ट करता हूँ विथ विड बस ये। अब इसमें आपको, अब इस पर आपको की फ्रेम देना है ये वाला जो फोर्थ ऑप्शन होगा नीचे, ये 1 2 3 4 ये फोर्थ ऑप्शन, ऐसा वैसे हमारा फर्स्ट पूरा हो चुका है फर्स्ट एफ। अब इसको आप एक्सपोर्ट कर लेना, जल्दी एक्सपोर्ट हो जाएगा, बहुत जल्दी एक्सपोर्ट होगा ये, मैं कोई फास्ट नहीं कर रहा एडिटिंग से, ये है ही बहुत फास्ट ये वाला लेटेस्ट लाइट मोशन। इसके बाद आप इसको सेव करना, एंड अब चलते हैं हमारे दोबारा से काइन मास्टर की तरफ। अभी मैं काइन मास्टर में आ गया हूँ। अब जहाँ पर हमने स्प्लिट करा था, जैसे कि ये पहली वीडियो इसने शॉर्ट मारा, ये ट्रांजिशन, तो अब यहाँ पे आप सेंटर में जो अभी हमने क्लिप निकाली वो रख देना, फिर आपको कुछ ऐसी क्लिप बन जाएगी। ये देखिए एक मिनट, थोड़ा लैग हो जाता है, स्लोमो है ये वाली मेरी स्लोमो क्लिप है, इससे थोड़ा लैग मार रहा है। अगर ये क्लिप छोटी हो जाती ना मज़े आ जाए ऐसे। चलो अभी के लिए मैं छोटी कर रहा हूँ, पर आप फुल रखना। देख सकते हैं आप कितना प्यारा ट्रांजिशन आया है, तो गाइस ये था अभी पार्ट वन था ये। अब एक और ट्रांजिशन में अभी कुछ दिनों में लाऊंगा दूसरे वाले इफेक्ट का, तो उसके लिए भी आप वेट करना। वो 3D ट्रांजिशन है, उसमें थोड़ा सा कट एंड स्प्लिट ज़्यादा है, तो मैं उसको कुछ दिनों में लाऊंगा। अभी मैं लिया है तो वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी, कम से कम 18-20 मिनट की जाएगी, वो इतना आप देखेंगे ही नहीं। तो मैं ये ट्रांजिशन ले आया हूँ, आप इस वाले को देख के आप अपने अपने मोंटाजेस में यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। अभी मैं बहुत जल्दी एक ओवरले ट्यूटोरियल अभी और लेके आऊँगा, अभी एक 3D हमारा आ चुका है, अभी एक और आएगा, फिर मैं पूरी प्लेलिस्ट बना दूंगा ट्यूटोरियल्स की, तो आप उनको देख के आपको हेल्पफुल रहेगा। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। Stay home, stay safe, peace out.
लंबे आ रही कटे तेरे संगे आ।